वैशाली नगर गौरव पथ के किनारे बने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मंगल भवन के समीप गौरव पथ के किनारे खाली पड़ी जमीन को निगम प्रशासन ने ट्रेचिंग ग्राउंड में तब्दील कर रखा है। कई वार्डों का कचरा सड़क किनारे डंप किया जाता है। सफाई कर्मचारियों द्वारा कचरे के साथ साथ मरे हुए सुअरों को भी लापरवाही पूर्वक सड़क किनारे फेंका जा रहा था, जिससे बीमारियों के फैलने का खतरा बना हुआ था। साथ ही मवेशियों द्वारा यहाँ सड़े गले खाद्य पदार्थों के अलावा प्लास्टिक का सेवन भी किया जा रहा था। इसकी जानकारी होने पर कल्याण सेवा जनजागृति संगठन के पदाधिकारियों द्वारा अध्यक्ष सुमन शील के नेतृत्व में जोन 3 के आयुक्त को ज्ञापन सौंपा गया और कचरे के साथ मरे हुए जानवरों को सड़क किनारे फेंके जाने पर तत्काल प्रतिबंध लगाने की मांग की गई। वर्तमान में सड़क किनारे फैले कचरे को पूरी तरह से साफ कर दिया गया है। ज्ञापन की जानकारी संगठन के अध्यक्ष सुमन शील ने दी। भिलाई नगर निगम द्वारा रहवासी क्षेत्र में ट्रेचिंग ग्राउंड बनाकर दूषित गीला सूखा कचरा को एक ही जगह फेंकने का कार्य किया जा रहा है। यहां तक कि मरे हुए जानवरों को भी आए दिन भिलाई नगर निगम के ट्रेचिंग ग्राउंड में देखने को मिल रहा है। यहां की आज सुबह भिलाई नगर निगम के सफाई कर्मचारियों के द्वारा लगभग 4 से अधिक सुअर मरे हुए सुअरों को फेंकने का कार्य किया गया, जिस पर जानकारी लेने के उपरांत कुछ समय के उपरांत भिलाई नगर निगम के सफाई कर्मचारी उन मरे हुए सुअरों को कहीं लेकर चले गए। सवाल उठता है कि यह सुअर आखिर मरे क्यों? क्या इसका पोस्टमार्टम किया गया? क्योंकि मात्र कुछ घंटों में जो सुअर मरे हुए थे उनके रंग हरे एवं नीले आकार के दिख रहे थे, जिसका कि नियमित रूप से जांच होनी चाहिए, क्योंकि सुअरों से स्वाइन फ्लू जैसे एक महामारी बीमारी फैल सकती है। उसके पहले इसकी जांच होनी चाहिए, जिसके संबंध में ज्ञापन भी जिला हमारे नगर निगम आयुक्त एवं जोन आयुक्त को भी ज्ञापन सौंपा गया है। सबसे पहले तो इसकी जाँच होनी चाहिए, क्योंकि इसका पोस्टमार्टम अगर नहीं होता है तो इसका अर्थ है कि कहीं ना कहीं एक दूषित बीमारी भिलाई शहर में फैल सकता है। उसको ध्यान में रखते हुए अगर 10 दिनों के भीतर इसकी जांच रिपोर्ट अगर हम जानकारी से प्रदान नहीं किया जाता है तो निश्चित रूप से इसको लेकर शहर में एक दूषित वातावरण फैलने के खिलाफ में एक जन आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। बहरहाल गौरव पथ के किनारे कचरा और मरे हुए सूकरों को फिर से नहीं फेंके जाने को लेकर निगम के स्वास्थ्य अधिकारियों को मॉनिटरिंग किए जाने की ज़रूरत है, जिसके लिए नई सफाई एजेंसी के कर्मचारियों को भी दिशा निर्देश देने के साथ फिर से ऐसी स्थिति निर्मित होने पर कार्रवाई किए जाने की भी ज़रूरत है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संजय दुबे।